वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश इंडिया यूट्यूब चैनल, दिस इज सरिता सिंह। आज की जो सीरीज है हमारी सिंपल ग्रामर कॉन्सेप्ट की, इसमें जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटरोगेटिव प्रोनाउन्स और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स में क्या डिफरेंस है, अगर ये किसी भी सेंटेंस में आते हैं तो आप किस तरह से इन्हें आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कब ये वर्ड्स एज एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन आए हैं सेंटेंस में और ये कब एज एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव आए हैं सेंटेंस में। तो इसी से रिलेटेड कुछ बातों को डिस्कस करते हैं। तो वर्ड्स लाइक व्हाट, व्हिच एंड हूज कैन बी यूज्ड बोथ एज इंटरोगेटिव प्रोनाउन्स एंड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो वो वर्ड्स जो होते हैं व्हाट, व्हिच और हूज, ये किसी भी सेंटेंस में एज एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह भी आ सकते हैं, एज एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की तरह भी आ सकते हैं। आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि कब व्हाट, व्हिच या हूज इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह आता है, एग्जांपल देखते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ हर हेयर, तो इंटरोगेटिव क्योंकि सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन पूछने से ही सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। तो व्हाट यहाँ पर क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इससे पहले आया है, इस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, बी का फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब से पहले अगर व्हाट आ रहा है तो ये एज अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह आया है। व्हाट यहाँ पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह आया है क्योंकि प्रोनाउन और नाउन वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट की तरह आते हैं और एज एन ऑब्जेक्ट की तरह आते हैं। तो आप आइडेंटिफाई करेंगे अगर हेल्पिंग वर्ब से पहले व्हाट आ रहा है तो वो एज अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह वर्क करेगा सेंटेंस में। नेक्स्ट एग्जांपल है व्हाट कलर इज हर हेयर, तो यहाँ पर जो व्हाट है वो कलर से पहले आया है, कलर है नाउन और नाउन को जो भी वर्ड डिफाइन करते हैं वो हमेशा ही एडजेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर जो व्हाट है क्योंकि इसने नाउन को डिफाइन करा है, नाउन के बारे में पूछा है कि कौन सा कलर है, क्या कलर है, कलर के बारे में डिफाइन करा है, तो यहाँ पर व्हाट एज अ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की तरह आएगा क्योंकि ये नाउन को डिफाइन कर रहा है। जब व्हाट हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा तो वो एज अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह आएगा, जब व्हाट एडजेक्ट नाउन से पहले आएगा तो वो एज अ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हूज इज दिस बुक, तो यहाँ पर जो इज है वो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से पहले हमेशा ही इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आते हैं। लास्ट एग्जांपल है हूज बुक इज दिस, तो यहाँ पर बुक क्योंकि नाउन है, नाउन को और डिफाइन करते हैं एडजेक्टिव्स, नाउन की क्वालिटीज को हमेशा एडजेक्टिव बताते हैं, तो हूज यहाँ पर हूज एज एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की तरह आया है क्योंकि उसने बुक को डिफाइन करा है, बुक के बारे में पूछा है व्हाट बुक इज दिस, मतलब ये क्या बुक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर व्हाट, व्हिच या हूज हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा तो वो एज अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह वर्क करेगा, और जब व्हाट, व्हिच या हूज किसी नाउन से पहले आके नाउन को मॉडिफाई करेगा तब वो व्हाट, व्हिच और हूज वहां पर एज अ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इस चैनल पर इससे पहले जो भी वीडियोस बन चुके हैं वो सभी वीडियोस चैनल की प्लेलिस्ट पे हैं। आई विश कि आप वो प्रीवियस के वीडियोस देखें। चैनल को लाइक, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जो भी अपकमिंग वीडियोस होंगे जो अपलोड होते रहेंगे उन सभी का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहेगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।